से देखो क्या हुआ, अभी क्या है, ये रूम वन है मान लो, इस रूम का स्विच ऑफ है तो बल्ब क्या ऑफ है। अगर इस रूम में जो बच्चा रह रहा है अगर उसको कुछ काम पड़ता है, रात का समय कुछ काम पड़ता है, पानी पीना है, तो वो क्या करेगा, इस स्विच को ऑन कर देगा, तो ये स्विच ऑन हो गया। ठीक है, अभी बाकी के स्विचेस क्या है, ऑफ पोजिशन में। अब इसको ये फिर से ऑफ कर देगा, काम इसका कंप्लीट हो गया, तो ये फिर से ऑफ हो गया। ऐसे ही आगे के रूम्स में भी स्विच ऑन ऑफ करके लाइट को ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो यहां समझ में आता है कि अगर मास्टर स्विच को ऑफ कर दिया तो कंट्रोलिंग कहाँ आ गई, बच्चों के हाथ में आ गई। बच्चों का जब मन है तो उसको ऑन कर सकते हैं बल्ब को, और बच्चों का जब मन है तो उसको ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार ये मास्टर स्विच ऑन कर दिया वार्डन ने, तो कंट्रोलिंग क्या हो गई, बच्चों के हाथ से चली गई। तो यही होती है हॉस्टल वायरिंग, जिसका यूज हम लोग हॉस्टल्स में वायरिंग करने के लिए करते हैं। तो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बता दिया है, और अगर इसका सर्किट डायग्राम आप समझना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में डिटेल में बता दूंगा।